साई पड़ाव सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की एबीवीपी के प्रतिभा सम्मान में शिरकत, किया छात्रों को सम्मानित। कहा, 70 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दे रहा है युवाओं को नई दिशा। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नई कार्यकारिणी का हुआ परिचय समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटे प्रमाण पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया प्राइमरी विद्यालयों का औचक निरीक्षण, बच्चों से की पठन पाठन के विषय में बात, दिए आवश्यक निर्देश। और शहर में हुई अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय घटना, आकाश से एलियन उतरने की जा रही है बात, सीसीटीवी में कैद हुआ यह अनोखा नजारा। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने क्लब पहुंचकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में कुल 2200 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में योगी आदित्यनाथ ने मां सरस्वती और विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर इस सम्मान समारोह की औपचारिक शुरुआत की। गुरुजी थोड़ा किनारे हो जाए, गुरुजी भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से 60 मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। सामने देखिए,
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 70 सालों से विद्यार्थियों के लिए अनुशासन और संगठन का अलख जगाया है और उन्हें नई दिशा दे रहा है। सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किए गए प्रयासों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है और इस विषय आज का एक प्रतिभा सम्मान समारोह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और आज की युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देने वाला समारोह है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह इस बात का द्योतक है कि हमारी युवा पीढ़ी में व्यापार संभावनाएं हैं, व्यापार क्षमता है, उसको दिशा देने के लिए कोई एक छात्र संगठन तो है जो उसे एक सही मार्ग पर ले जाने का कार्य कर रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत की परंपरा भी इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, और उस योजक के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इस युवा शक्ति को एक नई दिशा देने के लिए संलग्न है। मैं इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, एक सफल अभियान के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। मैं जब आज के दिन पर देश के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की अराजकता को देखता हूं और उस अराजकता के मूल में कभी हम जाने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि इस अराजकता के मूल में केवल अपनी राष्ट्रीयता से, अपने राष्ट्रीय मूल्यों से भड़का हुआ वह एक वर्ग है जिसने आजादी के पूर्व भारत को एक राष्ट्र नहीं माना था, जिसने देश की स्वाधीनता का विरोध किया था, जिसने आजादी के बाद भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करने की बजाय उसके खिलाफ एक विशिष्ट कुत्सित दुष्प्रचार के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया और जहां भी इन लोगों को अवसर मिला वहां पर उन्होंने उन संस्थाओं को पूरी तरह उनकी नींव को खोखला करने का ही कार्य किया है। आज जब देश के किसी विश्वविद्यालय में भारत विभाजन के नारे लगते हैं, आज जब इस देश के किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था में भारत के खिलाफ अलगाववाद के नारे सुनाई देते हैं, आज जब किसी एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में भारत के खिलाफ षड्यंत्रों में संलिप्त तत्वों को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करने के कुत्सित प्रयास होते हैं तो सचमुच यह चिंता एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की होनी चाहिए, इस देश के 125 करोड़ नागरिकों की होनी चाहिए कि जिन शिक्षण संस्थाओं को एक दिशा देनी चाहिए थी, जिन्हें योग्य मार्गदर्शक के रूप में आगे आना चाहिए था, एक योग्य योजक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था, वे अपनी इस भूमिका का निर्वहन करने की बजाय आज जब भटकाव की इस दिशा को नेतृत्व दे रहे हैं, अलगाववाद और अराजकता की दिशा को नेतृत्व दे रहे हैं, उन स्थितियों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों की प्रासंगिकता एक बार और पुरजोर तरीके से उभर करके सामने आनी चाहिए और इससे मैं आज विद्यार्थी परिषद के इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए इन सभी छात्र छात्राओं को पदाधिकारियों का आह्वान करूंगा जिन्हें अपनी रचनात्मक गतिविधियों के आया
बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के नव निर्वाचित पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बार एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, मंत्री अजय शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं के इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुष्पगुच्छ देकर उनके सम्मान के साथ शुरुआत की गई। तिवारी जी, आदरणीय श्री अमनु पांडे जी से आग्रह है कि वो आप पुष्प दे करके सम्मानित करें। और कुमार त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र जी, संयुक्त मंत्री प्रशासन। आज को मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को अपने हाथों से सर्टिफिकेट प्रदान किए और उनका परिचय भी प्राप्त किया। आदरणीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से उन्हें काफी उम्मीद है और उन्हें यह आशा है कि अधिवक्ता गण अपने दायित्वों का पालन विधि सम्मत तरीके से करेंगे। बनना चाहिए एक समय सीमा के अंदर, उसमें पूर्ण धनराशि देकर के इस कार्य को हम पूरा करें, इस पर हमारा पूरा प्रयास होगा। और लेकिन साथ साथ हमारा मानना है कि जहां कोर्ट के बनने आवश्यक है, न्यायिक अधिकारियों के बैठने के लिए अच्छे चैंबर आवश्यक है, वही अधिवक्ता समुदाय के लिए भी बैठने के लिए अच्छे व्यवस्था उनकी भी हो, इसके लिए सरकार भरपूर मदद करेगी। और मैं कहूंगा कि यहाँ पे जनपद न्यायाधीश जी के साथ मिलकर के यहाँ के अधिवक्ता यहाँ पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन एक पूर्ण प्रस्ताव बनाकर के लाए, सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी। महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से प्रसाधन की व्यवस्था हो या कॉमन रूम की व्यवस्था का हो, इसके लिए धनराशि प्रदेश सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। इसमें प्रदेश सरकार या फिर यहां अंदर की सड़कों के निर्माण का एक सिस्टमेटिक ढंग से प्लान बनाइए आप यहां का, जिसके अंतर्गत यहां पर आने वाले वादकारियों को भी आसानी हो, लोग आसानी से आ सकें, पार्किंग की व्यवस्था एक और व्यवस्थित रूप से दिया जा सके, किया जा सके। आवश्यकता पड़ती है तो अंडरग्राउंड पार्किंग दीजिए, आवश्यकता पड़ती मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करवाइए, आवश्यकता पड़ती है तो अधिवक्ताओं के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए उचित प्रसादन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस भी स्तर पर होगी, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अगर अन्य क्षेत्रों में कार्य हो रहा है तो यहाँ पर अधिवक्ता समुदाय के लिए भी उनकी जो आवश्यक जन सुविधाएं हैं, इस जन सुविधा को उपलब्ध कराने में सरकार कोई संकोच नहीं करेगी। और फिर गोरखपुर का सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन तो हमारा अपना एसोसिएशन है, इसलिए यहाँ पर इन सुविधाओं को देने में हमें बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मैं इसमें भरपूर मदद देने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए ही आज यहाँ पर आया हूं कि आप इस अभियान को आगे बढ़ाइए। मकसूदन तिवारी जी जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि उन्हें आश्वस्त रहना चाहिए, वे हमारे आंदोलन में मदद करते थे, मैं उनके आंदोलन में मदद करता था। तिवारी जी ने बहुत बार आंदोलन किए हैं और उनके आंदोलन में एक बार तो अधिवक्ता समुदाय अलग हो गया था तो मैं उनके साथ जुड़ा था, इसलिए कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़ करके गोरख, क्योंकि सबका उद्देश्य एक था, रास्ते अलग थे, आप अधिवक्ता है, हम लोग जनप्रतिनिधि थे,
लेकिन लक्ष्य सबका एक था कि गोरखपुर का हित होना चाहिए। हम लोगों ने जो भी लड़ाई गोरखपुर के विकास को लेकर के लड़ी, उस लड़ाई में अधिवक्ता समुदाय खुल करके सामने आया, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। समापन उद्बोधन के रूप में जिला जज अनुनोद समापन उद्बोधन के रूप में जिला जज विनोद कुमार श्रीवास्तव ने इन सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी तथा मीडिया के बंधु, ये हमारा सौभाग्य है कि परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्ततम समय में से उस समय निकाल कर आज हमारे बीच उपस्थित हुए तथा इन्हें आज हमें पहली बार रूबरू सुनने का मौका मिला। यह मेरा सौभाग्य है और मैं अपने न्यायिक अधिकारियों की तरफ से तथा इस गोरखपुर बार एसोसिएशन की तरफ से इन्हें धन्यवाद और इनका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी विधायिका और कार्यपालिका के प्रमुख हैं तथा न्यायपालिका के रूप में मैं इस गोरखपुर जनपद का प्रमुख हूँ। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों आपके पास है इस समय। मैं भी यही का रहने वाला प्रोडक्ट रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए कि आप जो कुछ भी इस प्रांगण के लिए, इस बार एसोसिएशन के लिए जो भी आप करना चाहें उसमें मेरा तो सहयोग रहेगा ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। हे गाइस, इट्स ए कैश, यू आर वाचिंग गोरखपुर सिटी वन नंबर वन चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी, सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो दिवसीय दौरे के बीच भी अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में से एक समय निकालकर दो प्राइमरी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच स्कूली बच्चों के हालचाल और प्राइमरी स्कूल के हालात का जायजा लेने के लिए गोरखनाथ के प्राइमरी स्कूल पहुंचे, जहाँ पर वस्तु स्थिति का संज्ञान उन्होंने लिया। इस दौरान सीएम के अचानक निरीक्षण से जहां एक ओर विद्यालय के कर्मचारी और अध्यापक सहम गए, वहीं अपने बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री को पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। गोरखनाथ के प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने शहर के ही महदीपुर स्थित प्राइमरी विद्यालय में दस्तक दी और वहाँ के बच्चों से पठन पाठन के विषय में भी बात की। किताब निकालो कोई, ये निकालो, तो कौन कला से पढ़ती है, क्या पढ़ती है बताओ, पढ़ती है। ये किसने लिखा है, हैं लिखे हो स्वयं, ये क्या है, मेहनत करो, है मेहनत से करो, मेहनत करिए, आप जितने शिक्षक हैं बच्चों को अभियान चलाओ करें, हैं दिव्या कुछ पढ़ती हो, कुछ आता है या कुछ याद है, तुम्हारी बच्ची कहाँ की। गोरखपुर शहर के बसंतपुर खास में शुक्रवार 28 सितंबर की भोर में अचानक से तेज रोशनी होने और उस रोशनी के प्रभाव में आसपास अंधेरा छा जाने से लोगों में कौतूहल और भय का माहौल है। कुछ लोग इसे आसमान से उतरने वाले एलियन की संज्ञा दे रहे हैं तो कुछ अनहोनी होने की बात कर रहे हैं।
यह कि रोशनी और आसपास छाया अंधेरा सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुका है। गीता प्रेस के पास बसंतपुर खास मोहल्ले में सैयद इरशाद अहमद तैशिया कैंपस में निवास करते हैं। करीब 10 से 12 परिवार रहते हैं। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सैयद इरशाद अहमद बताते हैं कि उनके कैंपस में एलियन जैसा कुछ आए दिन उतरता है। शुक्रवार की भोर में भी वह उतरा था। जब उसे आना होता है तो आसपास की लाइट्स बुझ जाती है, इसके बाद एक तेज रोशनी जमीन पर उतरती है। उस रोशनी के आसपास काफी अंधेरा छा जाता है, बस तेज प्रकाश पुंज बड़ा सा दिखाई देता है, इसी के साथ विशालकाय तस्वीर भी दिखती है। सैयद इरशाद अहमद का दावा है कि यह कोई एलियन है जो आए दिन यहाँ आता है। सबसे अहम यह कि तेज रोशनी और आसपास का अंधेरा सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसकी शिकायत पुलिस से भी की है। अद्भुत अविश्वसनीय घटना के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मकान मालिक इरशाद अहमद ने कहा कि वह अभी इस तरह की घटना कभी नहीं देखे हैं। एलियंस को मैं देखता हूँ, ऐसे मैंने देखा कि ऐसे कांधा बना हुआ है, कि ऐसे चेहरा है, ऐसे कांधा है, यहाँ तक की तस्वीर मैंने देखा। अभी पीछे उजाड़े में मैंने देखा, उजाड़े में देखा, मैंने बुला के लोगों को दिखलाया भी, लोगों ने देखा भी। तो एलियंस को भी आपने देखा है? एलियंस को भी मैंने देखा। आपके घर में जो है इसको क्या मानते हैं, क्या है ये? हमारा तो कैमरा लगाने का उद्देश्य ये था है कि ये कैंपस की सामान की सुरक्षा हो। दूसरा, आप लोग जो बराबर निगेटिव एनर्जी और एलियंस की बात करते हैं, कैमरे में कैद हुई ये हुआ, तो हमने हमारी भी इच्छा जागी कि हम भी उसको देखें, ये ऊर्जा है क्या, निगेटिव एनर्जी है क्या। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।